अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज हाउ डू इलेक्शंस इफेक्ट डेमोक्रेसी। तो जैसा कि कल हमने ये नया चैप्टर उठाया, इसमें हमने सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी और व्हाई व्हाट मेक्स एन इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक और व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू इलेक्शंस इफेक्ट डेमोक्रेसी, यानी इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या असर करती है, इसको कैसे इसका इस पे क्या असर पड़ता है, और डेमोक्रेसी जो है वो कैसे और कब क्यों कैसे मुमकिन है। तो ये जो हम इलेक्शंस कर रहे हैं, इनसे दो क्वेश्चन हमारे जहन में उभरते हैं। वो है सबसे पहला जो है, दैट इज डेमोक्रेसी पॉसिबल, इज डेमोक्रेसी पॉसिबल विदाउट होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, क्या डेमोक्रेसी इलेक्शंस करने के बगैर मुमकिन है, या होल्डिंग इलेक्शंस पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेसी, विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, या अगर हम इलेक्शन करेंगे और ये क्या इलेक्शंस करना मुमकिन है अगर हमारे पास अगर हम डेमोक्रेसी हमारे अगर हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं होगी। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, इनका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है, इनको आंसर द सॉल्यूशन द आंसर टू दीज क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि डेमोक्रेसी पॉसिबल विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, वो कैसे मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल, यानी कि अगर हम ये सोचेंगे कि डेमोक्रेसी में जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो एसेंशियल है, यानी ज़रूरी वो है, लेकिन तमाम सिटीजन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते, यानी कि डिसीजन जो उठाना है कहीं या कोई डिसीजन करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसमें सभी सिटीजन्स का पार्टिसिपेट करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। इसलिए पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और जो डिसीजन लेते हैं ऑन देयर बिहाफ, उनकी तरफ से वो डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आज का दौर हम देखते हैं, जैसे कि हम अपने लेवल पे लोकल गांव के पंचायत के लेवल पे हम अपने वार्ड मेंबर चुनते हैं, बाद में हम सरपंच को चुनते हैं, और वही फिर इसको हमारी छोटी छोटी जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ग्रास रूट लेवल पे, वो इसको आगे ले जाता है। तो इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी में बहुत ही इनका सिग्निफिकेंसी इनका रोल बनता है, और हिंदुस्तान में ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेसी का एक तरह से एक सिंबल है, डेमोक्रेसी का एक तरह से एक सिंबल है। पुराने ज़माने में क्या होता था, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। दिस सिस्टम एग्जिस्टेड, ये पहले एंशंट ग्रीक में इसका ज़्यादा इनकार हुआ था, और हिंदुस्तान में भी एट द लेवल ऑफ विलेज पंचायत, लेकिन आज के दौर में मॉडर्न डेमोक्रेसी में जहां पे डिसीजन जो है दे हैव टू बी टेकन बाय द लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल, यहां पे इस चीज का यहां आज ये मुमकिन नहीं है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है इस चीज का इनकार करना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच कम्स इनटू फोरफ्रंट। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विच इज़ बेस्ड ऑन रूल बाई पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और बाद में वही हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस सिस्टम में पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव जो कि रूल करते हैं वो गवर्न, एंड एडमिनिस्ट्रेटर द कंट्री ऑन पीपल्स बिहाफ, यानी लोगों की तरफ से वो एक तरह से हुकूमत करते हैं। जैसे कि हम आज भी ये सुनते हैं कि क्या होता है,
कि सिटीजन्स जो है उनका एक डिसीजन मेकिंग में उनका एक इनका एक लिमिटेड रोल बनता है। सो दे पार्टिसिपेट इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड ऑल द मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दस मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। यानी कि अब हम हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपना काम चलाते हैं। यानी कि जो जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आज का दौर जो है यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो उनको जल्दी में लेना पड़ता है, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इतनी सारी लोगों को हम एक तरह से खातिरखा में लाएं और डिसीजन लेंगे। इसलिए हम अपनी तरफ से जो लाखों या करोड़ों लोग होते हैं अपनी तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव देते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हम वही हमारी तरफ से डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस है दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। तो इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके।